नमस्कार बच्चों, एपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है। आप सभी ध्यान से देखेंगे, त्रिकोणमिति में जब हम प्रश्नावली 8.2 बनाते हैं तो उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालना होता है, और वह मान कई बार हम याद करते हैं उसके बाद भी भूल जाते हैं। तो आज हम ऐसा तरीका आपको बताने जा रहे हैं जो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, साइन थीटा का मान हमेशा याद रखिएगा कि बढ़ते क्रम में होता है। साइन थीटा का मान हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, कॉस का ठीक इसके विपरीत घटते क्रम में होता है। साइन थीटा का मान हमेशा बढ़ते क्रम में होता है और कॉस थीटा का मान हमेशा घटते क्रम में होता है। इसका बहुत सारा फॉर्मूला है याद करने का, बट देखिए यहाँ ध्यान से, हम 0 से 4 तक गिनती लिखे हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, यह हो गया साइन थीटा के लिए, और ठीक इसका उल्टा हम लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा के लिए, 4, 3, 2, 1, 0, और सबके लिए रूट, सबके लिए रूट, और सभी के बाटा में क्या डालेंगे, 2 डाल देंगे। जैसे हमें अगर साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो रूट में 0 को रखेंगे और बाटा में 2 लिखेंगे, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा, बाटा में 2, मतलब 0 का वर्गमूल 0 और बाटा में जब 2 हम लिखेंगे, 0/2 बराबर क्या आएगा, 0। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, अंदर रूट 1/2, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और बाटा में 2, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2। इस प्रकार से साइन 45 डिग्री का यदि हमें मान निकालना होगा तो वही करेंगे, √2/2, √2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/√2। ये हमारा त्रिकोणमितीय मान निकालने का तरीका हुआ। देखिए, ये सारा मान आपको याद करना है जो ये चार्ट पेपर पर दिया हुआ है। ये सारा मान कई बार पाई के रूप में दिया रहता है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि पाई का ज्यामितीय मान जो होता है वह 180 डिग्री होता है। पाई का जो ज्यामितीय मान होता है वह 180 डिग्री होता है। अक्सर बच्चे पाई का मान ये समझते हैं कि 22/7 होता है या 3.14 होता है, बट ये ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई पाई का ज्यामितीय मान आपसे पूछता है तो पाई का ज्यामितीय मान 180 डिग्री होता है, यानी कि जहां पाई होगा वहां हम 180 डिग्री रख देंगे, जहां भी पाई होगा वहां हम क्या रख देंगे, 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, 6 करेंगे तो ये 36/18, 3 बार में कट गया, यानी कि 30 डिग्री आ गया। जैसे देखिए, 180 डिग्री अब बाटा में 6 दिया हुआ है, पाई बाटा में 6, यानी कि 180 डिग्री बाटा में 6, 6 कम 180 डिग्री जो है 6 से कितने बार में कट गया, 30 बार में कट गया, यानी कि पाई बाई 6 का मतलब हुआ साइन 30 डिग्री का मान, जो हमने यहाँ पर निकाल करके आप लोगों को बताया था पीछे में कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। इस प्रकार से ये सारा मान आपको त्रिकोणमिति बनाने के लिए याद करना पड़ेगा, ये मान याद करना पड़ता है। बट आज मैं अपने लेफ्ट हैंड के माध्यम से आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको कभी मान याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और जीवन में कभी भी आप मान को भूल नहीं पाएंगे। ये देखिए, हमारा लेफ्ट हैंड हुआ, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड हुआ, साइन थीटा के लिए बटम फिंगर्स बाय 2 करेंगे और कॉस थीटा के लिए टॉप फिंगर्स बाय 2 करेंगे। बटम फिंगर ये हमारा हो गया और टॉप फिंगर्स ये हो गया, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, बटम फिंगर्स ये हो गया। हम चलेंगे कैसे, इस चीज को ध्यान दीजिए, जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, तो वह साइन थीटा का मान होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा बढ़ते क्रम में होता है।
जबकि जब घड़ी की सुई की हम विपरीत दिशा में चलेंगे, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉक वाइज जब हम चलेंगे तो वह कॉस थीटा का मान होगा। ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान है, कभी नहीं भूलिएगा। एक बार इसको समझ लेते हैं तो जीवन में इस मान को कभी नहीं भूलिएगा, हर एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको साइन जीरो डिग्री का मान निकालना है, साइन जीरो डिग्री का, ध्यान दीजिए, तो ये जीरो डिग्री से उंगली पर आ रहा है, सबसे छोटा वाला उंगली जो है जिसको हम कान्ही उंगली भी कहते हैं, तो इस पर जीरो डिग्री आ रहा है, तो गिनेंगे इससे पहले कोई और उंगली है क्या? नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब कि इससे पहले और कोई उंगली नहीं है। साइन जीरो डिग्री का मान हमें निकालना है, तो इस उंगली से कोई पहले उंगली नहीं है ना, इसका मतलब कि मान क्या हो गया? जीरो। अब बटा में दो, बटा में क्या रखेंगे? दो। दो से जीरो में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। यानी साइन जीरो डिग्री का मान क्या आ गया? जीरो। हम किसी का भी मान, जीरो डिग्री हो, तीस डिग्री हो, पैंतालीस डिग्री हो, साठ डिग्री हो, नब्बे डिग्री हो, हम इस हैंड के माध्यम से, लेफ्ट हैंड के माध्यम से बिना बोर्ड पर लिखे हुए निकाल सकते हैं। इसको ध्यान से देखें, ये जो छोटा उंगली है इस पर हम जीरो डिग्री रखे हैं, इसके बाद वाले पर तीस डिग्री, इसके बाद वाले पर पैंतालीस डिग्री, उसके बाद वाला जो उंगली है साठ डिग्री, और ये जो टॉप फिंगर्स है इस पर नाइन्टी डिग्री। मान लीजिए आपको साइन तीस डिग्री का मान निकालना है, तो इस पर साइन तीस डिग्री आ रहा है ना। अब इसके पहले हम देखेंगे कि कितने उंगली है, तो एक उंगली है, तो क्या करेंगे? रूट में एक को कर देंगे, रूट में एक को कर देंगे। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री का आपको मान निकालना है, बराबर, तो इससे पहले एक उंगली है, इसको रूट में कर देंगे, बटा में दो। एक का वर्गमूल कितना होता है? एक, बटा में दो। मतलब साइन 30 डिग्री का मान एक बटा दो। आप बताइए ये निकालने की कोई आवश्यकता? निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी हमें साइन 30 डिग्री निकालना होगा तो उंगली बैठाएंगे, जीरो, तीस, पैंतालीस, साठ, नब्बे, जीरो डिग्री, इससे पहले कोई उंगली नहीं है, मतलब रूट में जीरो, रूट में जीरो, बटा में दो। जीरो का वर्गमूल क्या होता है? जीरो, बटा में दो। जीरो बटा दो का अर्थ क्या होता है? जीरो। यानी कि साइन जीरो डिग्री का मान क्या हो गया? जीरो। अब साइन तीस डिग्री का अगर मान निकालना है तो इस पर देखेंगे, जीरो, उसके बाद क्या आएगा? तीस, तो ये तीस डिग्री हो गया। तो क्लॉक वाइज घड़ी की सुई की दिशा में इधर देखेंगे कि इसके बाद कितने उंगली बच रहा है, तो एक उंगली बच रहा है, एक उंगली बच रहा है, तो ये एक उंगली बचा हुआ है ना, तो रूट एक बटा में दो, जितना उंगली बचेगा उसको रूट में लगा देंगे और बटा में दो लिख देंगे। एक का वर्गमूल एक हो गया, बटा में दो। देखिए साइन जब भी देखना होगा तो हम ऐसे चलेंगे क्लॉक वाइज, ये साइन के लिए हुआ, साइन थीटा के लिए हुआ, जबकि हमें कॉस का मान जब निकालना होगा तो हम एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ये कॉस थीटा का हुआ, ये जो हुआ कॉस थीटा के लिए हुआ, ये कॉस थीटा के लिए हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे, जबकि साइन थीटा के लिए घड़ी की सुई की दिशा में आएंगे। तो ध्यान दीजिए, हमें अगर साइन 30 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे? जीरो, तीस, घड़ी की सुई की दिशा में इधर आएंगे, एक उंगली बच रहा है, इसको रूट में कर देंगे, अब बाटा में दो। याद रखना है कि साइन और कॉस के लिए बाटा में दो रखना है, तो रूट एक बाटा दो, एक का वर्गमूल एक, बाटा में दो। इस प्रकार से अन्य कोई भी त्रिकोणमितीय मान हम साइन थीटा के लिए निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन साठ डिग्री, साइन साठ डिग्री गिनेंगे, जीरो, तीस, पैंतालीस, साठ, यहां आया साइन साठ डिग्री। अब यह घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब क्लॉक वाइज इधर, तो 60 डिग्री यहां आया तो इधर हम उंगली गिनेंगे, एक, दो, तीन, तीन उंगली बचा। साइन 60 डिग्री के लिए ये तीन उंगली बचा हुआ है, तो हम क्लॉक वाइज गिनेंगे, एक, दो, तीन, तो क्या करेंगे? साइन
60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री कहाँ आया था, यहाँ पर आया था 0, 30, 45, 60। अब क्लॉक वाइज हम गिनते हैं कितने उंगली बच रहा है, 1, 2, 3, तो क्या करेंगे रूट 3 अब बटा में 2, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया रूट 3 बटा 2। अब मान लीजिए कि हमें साइन 90 डिग्री का मान निकालना है, तो 0, 30, 45, 60 और ये क्या हो गया 90। ये इस प्रकार से कोण बनता है 90 डिग्री का, यहां पर कितना डिग्री कोण बना 90 डिग्री का, देखिए साइन 90 डिग्री बराबर। अब ध्यान दीजिए साइन 90 डिग्री है तो हम क्लॉकवाइज गिनेंगे 1, 2, 3, 4 90 डिग्री के लिए जब हम देख रहे हैं तो कितने उंगली बच रहा है इससे क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 तो हम क्या करेंगे अंडर रूट 4 अब बटा में 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 बटा में 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 1 बटा 1 का अर्थ हुआ 1। अब देखिए बच्चों हम रेजर लेकर इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड काफी भर चुका है। अब हम सभी कॉस 30 डिग्री 0 डिग्री 45 डिग्री का मान निकालने सीखेंगे। कॉस जब भी होता है तो उसमें हमारा मान एंटी क्लॉकवाइज होता है, कॉस के लिए हमारा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। अभी साइन थीटा का हमने मान निकाला, हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा का जो मान होता है वो हमेशा बढ़ते क्रम में होता है और कॉस थीटा का मान घटते क्रम में होता है। तो देखिए इसको भी साफ कर लेते हैं, साइन का मान हमेशा बढ़ते क्रम में होता है और कॉस का मान हमेशा घटते क्रम में होता है। अब देखिए हम पेन ले लेते हैं, चलिए अब हम सभी कॉस थीटा का मान निकालने का तरीका जानेंगे। कॉस मान लीजिए आपको 0 डिग्री का मान निकालना है, कॉस 0 डिग्री बराबर, तो 0 तो इस पर है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो 0 यहां पर है तो गिनेंगे इधर कौन सा उंगली बच रहा है, 1, 2, 3, 4 कितना उंगली बचा 1, 2, 3, 4 तो क्या करेंगे रूट में लिख देंगे 4 अब बटा में 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 अब बटा में 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 बटा 1 का अर्थ 1। या इसको बहुत आसान तरीका से ये समझे आप कि साइन का मान जब आप निकाल लिए आपको याद हो गया तो ठीक हम उसको उल्टा क्रम में सजा देंगे तो वो कॉस का मान हो जाएगा, जैसे जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वही कॉस 0 डिग्री का मान होता है। अभी आपने यहां पर निकाले हम साइन 90 डिग्री का मान 1 होता था, कॉस 0 डिग्री का मान 1। अब देखिए मान लीजिए कि कॉस 30 डिग्री का मान हमें निकालना है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री के लिए 0, 0 के बाद ये क्या हुआ 30 डिग्री हुआ, तो अब इधर से हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे गिनेंगे 1, 2, 3 कितने बच रहा है उंगली 1, 2, 3 रूट में लिख देंगे 3 अब बटा में 2, रूट 3 बटा 2 कितना का आ गया कॉस 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का मान, सॉरी बच्चों कॉस 30 डिग्री का मान कितना आया रूट 3 बटा में 2, क्यों कि यहां 0 यहां 30, तो 30 जब यहां पर आया तो हम घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जाएंगे, मतलब गिनेंगे कि कई उंगली इसके बाद बच रहा है 1, 2, 3 तीन उंगली बचा तो रूट में कर देंगे अब बटा में 2, यह आ गया कॉस 30 डिग्री का मान। इसी प्रकार से आपको कॉस 45 डिग्री का मान निकालना है बराबर। ध्यान दीजिए यह 0 डिग्री हो गया, यह 30 डिग्री हो गया, यह 45 डिग्री हो गया, तो कॉस 45 डिग्री ये 45 हो गया और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे तो एक आएक 2 कितने अंक बचे 2
रूट में कर देंगे दो, जो उंगली बचे उसको अंग के रूप में हम मान लेते हैं, एक एक दो, अब बटा में दो, रूट दो से ये दो जो है रूट दो बार में कैंसिल हो गया, यानी कि क्या आ गया एक बटा में रूट दो। इस प्रकार से अन्य मान, जैसे मान लीजिए हमें कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है, कॉस 60 डिग्री इजकल टू 60 डिग्री, तो गिनेंगे यहां से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यह आया, तो कॉस के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, इसके बाद कितना उंगली बच रहा है, एक उंगली बच रहा है, तो उसको हम रूट में कर देंगे, बटा में दो, एक का वर्गमूल क्या होता है एक, अब बटा में दो, यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया एक बटा में दो। अब कॉस एक 90 डिग्री बच गया, कॉस 90 डिग्री, तो 0, 30, 45, 60 और ये 90। अब देखते हैं कि 90 जिस उंगली पा रहा है उसके बाद कोई उंगली है क्या, नहीं है, मतलब उंगली का संख्या क्या हो गया 0, तो रूट में लिखेंगे 0, अब बटा में 2, 0 का वर्गमूल 0, बटा में 2, 0 बटा 2 का अर्थ होता है 0, यानी कि कॉस 90 डिग्री का मान क्या आता है 0। अगर टेन का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, यानी कि क्लॉकवाइज गिन लेंगे उंगली, उसको रूट में कर देंगे, अब बाटा में एंटी क्लॉकवाइज गिन करके उंगली को रूट में कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर साइन और कॉस का ये हम मान निकालने के लिए लिखे हुए हैं, अब यहां दो का कोई मतलब नहीं है, हम केवल इसको दोनों को रूट में कर देंगे और बाटा में कर देंगे, तो ये हो जाएगा टैन थीटा का मान। जैसे टैन 0 डिग्री के लिए साइन 0 डिग्री, बाटा में कॉस 0 डिग्री, साइन ये मान लीजिए टैन 30 डिग्री का हमें मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 30 डिग्री, और उसको मान याद करने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि टैन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो टैन 0 देखेंगे साइन 0 का लिए क्या होगा, तो यहां 0 डिग्री आता है, यहां 30 डिग्री आता है, यहां 45 डिग्री आता है, यहां 60 डिग्री आता है, यहां 90 डिग्री आता है, जो यहां फिगर में दिखाया गया है। तो देखिए 0 डिग्री है, तो साइन के लिए इससे पहले कोई उंगली है क्या, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा 0 रूट में, बटा में कॉस थीटा होता है, तो कॉस के लिए भी यही 0 डिग्री है ना, यहीं पर है ना, बट हमें क्या करना है, उल्टा गिनती गिनना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, 1, 2, 3, 4 कितने उंगली बच रहा है, 4 उंगली बच रहा है, तो रूट में 4, यानी कि 0 का वर्गमूल क्या हो गया 0, अब बटा में 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 0 बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0, 0 बटा 2 बराबर 0। इस प्रकार से कोई भी मान हम tan थीटा के लिए निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमें tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, एक को रूट में बटा में रूट 3, देखिए कैसे 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने अगर उंगली पर मान बैठाना सीख लिया तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल बिना लिखे हुए मौखिक मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री का हमें मान निकालना है, 30 डिग्री यहाँ पर है तो हम पहले साइन लेंगे उसके बटा में कॉस, तो यहाँ 30 डिग्री है, तो देख रहे हैं साइन के लिए क्लॉक वाइज एक उंगली बच रहा है ना, रूट में कर दिए एक को, बटा में कॉस, कॉस का क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो 1, 2, 3 कितना उंगली बचे 3, रूट में कर दिए 3, एक का वर्गमूल कितना होता है 1, अब बटा में रूट 3। बताइए ये मान याद करने कोई तरीका है, नहीं ना। अब मान लीजिए आपको 45 डिग्री का मान निकालना है, tan 45 डिग्री, तो इधर आएंगे साइन के लिए पहले 1, 2 क्या करेंगे रूट 2, बटा में कॉस 45 डिग्री के लिए भी यही है 45 डिग्री, तो अब एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे 1 और 1, 2 इसको भी हमने कर दिया रूट में, रूट 2 बाई रूट 2 ये कट जाएगा, 1 बाई 1 का अर्थ होता है 1, 1 बाई 1 बराबर क्या आएगा 1, यानी कि tan 45 डिग्री का मान क्या आ गया 1। इसी प्रकार से
हमें यदि टेन 60 डिग्री का मान निकालना है तो यहाँ पहले देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के लिए इधर हम गिनते थे 1, 2, 3, तो रूट कर देंगे हम 3, अब बटा में। अब कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि साइन बटा कॉस बराबर होता है टेन, तो कॉस 60 डिग्री के लिए हम देख रहे हैं इससे एंटी क्लॉकवाइज में, तो एक उंगली बच रहा है, रूट में एक को कर दिए, एक का वर्गमूल एक ही होता है, रूट 3 बटा एक का बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3। इस प्रकार से हमें टेन अगर 90 डिग्री का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से गिनेंगे 0, 30, 45, 60, 90। तो साइन के लिए क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, रूट में कर दिए 4 को, बटा में। अब कॉस के लिए 90 डिग्री यहाँ पर है, एंटी क्लॉकवाइज इधर और कोई उंगली है क्या, नहीं है ना, मतलब 0 है, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी कि 2/0, 2/0। और हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या के बाटा में जब 0 आ जाता है तो वह अपरिभाषित होता है, क्योंकि इसमें 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है, कोई भी रुपया पैसा है मान लीजिए और उसको बांटना है, बांटने वाला ही आदमी 0 हो तो क्या वो बटा पाएगा, नहीं बटा पाएगा, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। टैन 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। अब अगर साइन कॉस टैन का मान निकालना हमने सिखा दिया आप सभी को, तो इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, जब भी मान निकालना होगा उसको उल्टा हम कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, आप सभी को ये दो मान तो बहुत बच्चे निकाल लेते हैं, बट प्रीवियस पेपर में आप देख लीजिएगा कि एक मान आया था निकालने के लिए, बहुत बच्चे उसको नहीं कर पाए थे, वो था ज्यामितीय मान, वो था ज्यामितीय मान, 45 डिग्री का ज्यामितीय मान निकालना था, जो 5 अंक का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था 45 डिग्री का ज्यामितीय मान ज्ञात करें, ज्यामितीय मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें या निकालें, ज्ञात करें, ये 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, 45 डिग्री का ज्यामितीय मान ज्ञात करें। अब देखिए इस मान को जब भी ज्ञात करने के लिए आ जाता है तो आपको 45 डिग्री का जब मान ज्ञात करना होगा ज्यामितीय मान के रूप में, 5 नंबर का आएगा, तो ये कोई ट्रिक से नहीं आप बनाएंगे, नहीं तो आपका नंबर नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे, ए बी सी, मान लिया कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आप सभी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के देखिए बच्चों, यह 90 डिग्री का कोण बी है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है, कोण ए और सी न्यून कोण है, बट हमने ये जो त्रिभुज लिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिया है, क्यों, कि हमें 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, कितना डिग्री का मान ज्ञात करना है 45 डिग्री का, तो बराबर भुजाओं द्वारा बना हुआ कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, हमने मान लिया कि यह एक सा है तो यह भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है, जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, या कोण ए का मान कितना है एक्स प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री, या 2x बराबर 90 डिग्री, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, x बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री, यानी कि यह जो न्यून कोण है कितने कितने डिग्री का हो गया,
45 डिग्री का हो गया। अब किसी भी न्यून कोण से हम लेंगे तो हमारा 45 डिग्री का ही मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी 45 डिग्री है और यहाँ भी 45 डिग्री है। तो हम 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम न्यून कोण सी ले ले रहे हैं, कोई एक न्यून कोण ले लेते हैं, न्यून कोण सी के लिए, न्यून कोण सी के लिए। लेकिन इससे पहले हमें ये कर्ण ज्ञात करना होगा, तो हम इस भुजा को ए मान ले रहे हैं, तो यह भी भुजा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। जब ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अब सी के लिए हमें कर्ण भी पहले निकालना होगा, तो कर्ण ए सी है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आप सभी को याद ही होगा, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मान रख देते हैं लंब कितना है, सी से ये ए भी लंब हुआ, ए मान दिया है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही होगा प्लस, क्योंकि ए यहां छुपा हुआ है, ए का स्क्वायर एक ही ना होता है, ये ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, वन ए स्क्वायर कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 2a² हो जाएंगे। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × a × a, यानी कि 2 × a × a, और 2 अंक के लिए 1 अंक बाहर आता है वर्गमूल में, आप सभी को पता ही है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या आ जाएगा, a√2, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है √2a, यानी कर्ण कितना आ गया हमारा √2a, √2a, यानी कर्ण का मान आ गया √2a, लंब कितना है इसके सामने a, आधार कितना है a। ध्यान दीजिए ये जो कर्ण हुआ AC हुआ, C के सामने लंब हुआ जो AB हुआ, और आधार हुआ इसका संलग्न भुजा BC। अब आप चाहें तो 45 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, जैसे साइन 45 डिग्री, सारे त्रिकोणमितीय जो 45 डिग्री के मान है इस पर निकल जाएंगे, साइन 45 डिग्री। यह आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, पी बी पी बटा में एच एच बी। ये जो ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो सारा फॉर्मूला आपका 8.1 का याद हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा में हिंदुस्तान हरा भरा, या हिंदी मीडियम का कोड आप याद रखिए जो पिछले क्लास में हम बताए थे, लाल बटा कक्का। ये जो पहला होता है साइन थीटा का होता है, लंबाई कर्ण, इसको इंग्लिश मीडियम वाले कोड में लिखते हैं लंब के लिए पी परपेंडिकुलर और बटा में एच से हाइपोटेनस। चलिए लंब का मान रखते हैं, लंब कितना है ए है, कर्ण कितना आया है √2a, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√2, एक मान हमारा निकल गया। इसी प्रकार से हम कॉस 45 डिग्री का भी मान निकाल लेंगे, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बाई कर्ण, जबकि टैन थीटा का होता है लंबाई आधार, तो कॉस थीटा का होता है आधार बाई कर्ण। आधार देखिए बी से सूचित किया जाता है बेस को ए, आ कर्ण को एच से हाइपोटेनस होता है √2a, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/√2। अब टैन 45 डिग्री, टैन के लिए क्या होता है, लास्ट वाला होता है लंबाई आधार l/a, लंबाई आधार को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं p/b, परपेंडिकुलर बटा में बेस, p का मान कितना है a, बेस कितना है a, ए से ये कैंसिल हो गया, 1/1 का मतलब 1। अब मान लीजिए कि साइन कॉस टैन का मान आपने निकाल लिया, तो अब इसके उल्टा तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस मान को उलट देंगे तो इसके उल्टा हो जाएगा, जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन 45 डिग्री है तो ये कोसेक 45 डिग्री, इसको उल्टा कीजिए, साइन 45 डिग्री का मान कितना आया है 1/√2, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1, मतलब √2। अब कोसेक का मान हो गया, अब यहां साइन के बाद क्या था, कॉस था, कॉस के लिए क्या होता है सेक,
कॉस का उल्टा सेक, सेक 45 डिग्री, तो इसको उल्टा कीजिए, वन बाई रूट दो का उल्टा रूट दो बटा एक, मतलब रूट दो। अब टैन, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, एक का उल्टा एक ही ना होता है, आपका निकल गया 45 डिग्री का मान, जो कि पांच नंबर का क्वेश्चन आपका पहले एग्जाम में ये आ चुका है बिहार बोर्ड का, इसलिए इसे अच्छे से आप लोग समझेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारा मान निकालने का हमने तरीका बता दिया, वो ज्यामितीय विधि है। अगला क्लास में हम 60 डिग्री का भी ज्यामितीय विधि से मान निकालने का तरीका बताएंगे। ये सारा मान जो है हमने एक चार्ट के माध्यम से भी बताया कि 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिखकर साइन थीटा का मान बढ़ते क्रम में, कॉस थीटा का मान घटते क्रम में, और टैन थीटा का मान जब निकालना होगा तो साइन बटा कॉस कर देंगे। इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, यदि समझ में आया है तो दूसरों के लिए शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।